दोस्तों बाटी को कभी हल्के में मत लेना। सुनाता हूँ आज आपको बाटी की महिमा और बाटी खाने के नियम। बाटी खाते वक्त मोबाइल का स्विच ऑफ रखे। बात करने से पेट में हवा जाती है, जिससे एक बाटी कम खाई जाती है। बाटी जींस पहन कर नहीं खानी चाहिए, बैठने में तकलीफ होती है, बाटी कम भाती है। बाटी खाते वक्त सुई गिरने जितनी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। खाते वक्त कोई बच्चा आवाज करे तो उसे रेपट मेल देनी चाहिए, बिना किसी रहम करे। बाटी खाते वक्त घी की बाल्टी फुल होनी चाहिए। जितना घी जाएगा बाटी के साथ उतनी तरावट रहेगी और कुंभकर्ण के जैसे नींद आएगी, एकदम टेंशन फ्री। बाटी खाने के बाद मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, उससे माथा खराब रहता है, खोपड़ी घन चक्कर हो जाती है। जिस दिन घर पे बाटी बनती है उस दिन घर में खुशी का माहौल रहता है। बच्चे भी सभी काम पे लग जाते हैं, कोई प्याज काटने लग जाता है, कोई चटनी घोड़ता है, कोई कड़ी पत्ता लेने चला जाता है, कोई अपने आप को दाल बनाने का उस्ताद बताकर दाल की वाट लगाता है। बाटी खाने के बाद दाल बाटी और लड्डू की तारीफ करने से पुण्य मिलता है और अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं तो बाटी की धूप भी लगाते हैं, 5 पकवान की तरह मानते हैं। बाटी खाने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, एकदम दुनियादारी से फ्री। गुरु के अनुसार बाटी खाने का सही दिन रविवार है। लगातार 7 दिन तक बाटी खाने से गंगा जी के घाट पर 1000 लोगों का लंगर कराने और 100 गाय दान करने के बराबर पुण्य लगता है। पिज्जा बर्गर छोड़ो, देसी खाना खाओ। सुना है आजकल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दूध पिलाने लग गए, देखिए उसके कुछ साइड इफेक्ट। अब बच्चे ऐसे बोलते हैं ABCD। सी डी